दोस्तों, वेलकम बैक टू हेलो विक्की। आज हमारी स्टोरी है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की। शाहरुख जैसे बादशाह का बॉर्न किसी फिल्मी फैमिली में से नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो दिल्ली में एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिया थे, जहां बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। शाहरुख के फादर नेशनल स्कूल के ड्रामा में कैंटीन चलाते थे। कई बार शाहरुख अपने स्कूल ख़त्म करके वहां पहुंच जाया करते थे। शाहरुख को एक्टिंग की इंस्पिरेशंस वहां बड़े बड़े एक्टर्स को डायरेक्ट करने के साथ काम करते हुए समय मिली। उनके फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अक्सर ये कहते थे, तुम्हारी उम्र में हम पहाड़े चढ़ा करते थे, तुम चढ़ना है तो चढ़ो, नहीं चढ़ना है तो मत चढ़ो, क्योंकि जो कुछ है करते हैं वो कमाल करते हैं। अफसोस, जब शाहरुख को 15 साल के थे तब उनकी फादर का कैंसर ले गई और ठीक उनके 10 साल के बाद उनकी मदर भी चले बसी। शाहरुख ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जमिया में मास कम्युनिकेशन ज्वाइन कर लिया। ये सोच के मैं आगे जाके छोटी मोटी फिल्में बना लूँगा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाहरुख के पड़ोस में अपने नायक पर तो टीवी सीरियल्स में देख रहे थे। शाहरुख को अपने करियर का ब्रेक इसी टीवी सीरियल फौजी से मिला, जो उस टाइम दूरदर्शन में टेलीकास्ट हुआ। उन्होंने और 2-3 सीरियल्स और करे और फौजी करने से उनसे लोगों ने बहुत अप्रिएशन मिला। इसी समय उन्हें मुंबई से हेमा मालिनी का कॉल आया, ये कह गया था, मैं अपने साथ फिल्म बनाना चाहती हूँ। उन्होंने विश्वास नहीं हुआ और लगा शायद उनके साथ कोई मजाक कर रही है, तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। साथ ही साथ उनका दिल्ली में गौरी के साथ एक लव रिलेशनशिप भी चला रहा था और गौरी के फैमिली को ये पता चला है कि दोनों आगे शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने चुपचाप गौरी को मुंबई भेज दिया अपने रिश्तेदारों के पास। यहाँ विकास, कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी कोई ऐसा की साल करना नहीं चाहेंगे जो कि अनएम्प्लॉयड हो, जो कि उनकी माँ बाप ना हो। दिल्ली में वो बिना गौरी के वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, इसीलिए उन्होंने एक साल मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई में उसका सारा पैसा गौरी ढूंढने और खाने पीने में खर्च हो चुका था। उनके पास वापस ट्रेन पकड़ने तक भी पैसे नहीं बचे थे। पर एक दिन अचानक उनकी मुलाकात गौरी से एक बीच पर हुई, जहां गौरी ने कहा कि तुम मेरी मामा मामी से बात कर लो, वो थोड़ा ठीक है, शायद वो हमारी पापा को मना पाए हमारे शादी के लिए। मुंबई में शाहरुख ने ऐसा सिचुएशन देखा जब उनके पास जस्ट 20 रुपीस रह गए थे और उनको कई रात सड़क और स्टेशन पर ही बिताना पड़े। और उस वक्त शाहरुख खान ने गुस्सा में अपने आप को बोल डाला, मुझे इसी सिटी ने ना मुझे इतना तंग करके रख दिया है, मैं एक दिन एक ये सिटी को ओन करूँगा। शाहरुख तो अपना सर्वाइव के लिए अपना कैमरा बेचना पड़ा। फिर एक रात को बंदर में लक्की बिरयानी खाते तो उनके पास एक प्रोड्यूसर आए विवेक विश्वानी करके, और उनके साथ कहा, तुम फिल्म नाम काम करोगे मिस्टर जिब्बी सिब्बी। उनके फिल्म में जिब्बी सिब्बी शोले जैसे अच्छी फिल्म को बॉलीवुड में दे चुके थे। अगले दिन वो प्रोड्यूसर शाहरुख को जिब्बी सिब्बी के पास लेकर गए और जीपी सिब्बी ने शाहरुख को देखकर बोला, ही इज़ अ हीरो वन डे, हिज हेयर लाइक ए बेयर। कमाल की बात ये हुई है, उस दिन शाहरुख ने 5 फिल्में में साइन कर दी। वो रिस्क होते हुए फिर हेमा जी के पास भी चले गए, तो हेमा जी बोली, आई विल नॉट कास्ट यू बिकॉज यू आर इन यूजर्स वेरी एरोस्टिक क्रैटिक। उस दिन राजू
मेहरा की फिल्म में कोई हीरो नहीं मिल रहा था तो शाहरुख उसने खास कर लिया गाया। राकेश रोशन जी मिंगल बनाते रहे थे अमित जी के साथ उस टाइम, तो उन्होंने शाहरुख को बोला, देख मेरी बीवी और बच्चे ने तेरे एक्टिंग देखी है। और वो ने बोला है कि मैंने तुझे कास्ट नहीं किया ना, तो ये फिल्म नहीं बन सकती है, तो तुम कर लो। दीवाना फिल्म हेमा जी के कोई रिलेशनशिप में थे तो हम उनसे मिले, इसका बांधो, तब उसके पास कुछ नहीं था। उसने एक दिन में 5 फिल्म ने साइन की और उसके 3 महीने बाद उन्होंने गौरी भी शादी कर ली। उनके बाद उसके सुपर ड्यूपर हिट्स फिल्मों जैसे सिलसिला में चल पड़ा शाहरुख। आज भी अफसोस है उनकी सक्सेस को उनके पेरेंट्स जीते जी नहीं देख सके। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि 20 साल पहले मैंने जो शुरुआत की थी, पहली बात यही थी कि खाने को मिले, घर मिले, बच्चों की पढ़ाई कर सकूं या और उनकी पढ़ाई करवा सकूं। मुझे पर्सनली उनकी एक बात बहुत बहुत अच्छी लगी, अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मेरी जैसी मेहनत कोई नहीं कर सकता। सो गाइस, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमारे को बता देना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। Hey everyone! Are you looking to have a new website? We provide eloquent and beautiful websites. Free domain. Free hosting business email. Spites.com.